नमस्कार दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है और दोस्तों इस सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 2-1 से इस सीरीज को अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों अब टीम इंडिया की अगली बड़ी सीरीज शुरू होने जा रही है न्यूजीलैंड में, जहाँ टीम इंडिया को 5 T20 मुकाबले खेलने हैं। तो दोस्तों इस T20 सीरीज का आगाज 24 फरवरी से होने जा रहा है और टीम इंडिया चाहेगी कि एक बार फिर इस सीरीज में भी कमाल का प्रदर्शन करके एक शानदार जीत दर्ज करें। तो दोस्तों टीम इंडिया इस सीरीज के लिए तैयार है और भारतीय टीम का ऐलान भी हो चुका है। तो दोस्तों 24 फरवरी को होने वाले पहले T20 में क्या रहने वाली है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये T20 सीरीज काफ़ी रोमांचक होने वाली है और साथ ही दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण भी वर्ल्ड कप के लिहाज से। टीम इंडिया के जो भी खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं उनको यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा अगर न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना है। तो दोस्तों ज़्यादा आसान नहीं है न्यूजीलैंड को उसी के घर में हराना, लेकिन इस सीरीज में भारतीय टीम के पास जो टीम है वो यहाँ पर किसी भी टीम को किसी भी घर में हरा सकती है। खास करके भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, शिखर धवन जैसे खिलाड़ी जो कि इस समय काफ़ी शानदार फॉर्म में हैं, वो कहीं पर भी यहाँ पर रन बनाकर टीम को जीत दिला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी उम्मीद यहाँ पर भारतीय टीम की विराट कोहली, रोहित शर्मा पर ही रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं विकेट कीपर के तौर पर इस समय काफ़ी शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं केएल राहुल। तो ऋषभ पंत की जगह पर केएल राहुल ही इस सीरीज में हमें प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी शानदार विकेट कीपिंग करके दिखाई है और भारत की जीत भी कई तरीके से तय की है। तो चलिए दोस्तों अब प्लेइंग 11 की बात करें तो भारत की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन। दोस्तों रोहित शर्मा तो काफ़ी शानदार फॉर्म है, वहीं पर शिखर धवन का फॉर्म भी लाजवाब है इस समय। लेकिन दोस्तों शिखर के साथ एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मुकाबले में चोट जरूर लगी थी उन्हें, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस मुकाबले तक शिखर पूरी तरह से फिट हो जाएंगे और यहां पर वो चौके छक्के मारते हुए देखेंगे, क्योंकि दोस्तों दोनों खिलाड़ी काफ़ी शानदार फॉर्म में लौट चुके हैं इस समय और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर उतरने वाले हैं विराट कोहली, 4 पर लोकेश राहुल, 5 पर सुरेश अय्यर, 6 पर शिवम दुबे और 7 पर उतरेंगे रविंद्र जाडेजा। दोस्तों बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, जो कि मैन ऑफ द सीरीज भी बने थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वहीं पर दोस्तों केएल राहुल की बात करें तो इनका प्रदर्शन भी काफ़ी शानदार रहा है, विकेट के पीछे से भी और साथ ही दोस्तों बल्ले से भी इनका प्रदर्शन देखकर अभी ने भारतीय टीम के विकेट कीपर की जगह मिली है। वहीं पर इसके अलावा शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा से बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं पर दोस्तों गेंदबाजों की बात करें तो कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ये एक साथ खेल सकते हैं, अगर युजी को मौका नहीं मिलता तो फिर नवदीप सैनी को मौका मिलेगा। वहीं पर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह दो तेज गेंदबाज रहने वाले हैं इस सीरीज में। तो दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों को भी बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 2 मुकाबलों में किया था उसी तरह का प्रदर्शन यहाँ पर करके दिखाना होगा, तभी टीम इंडिया न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है टीम इंडिया जीत पाएगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।